उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। बाईस जनवरी को अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 9 दिन बाद वाराणसी से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर शिव भक्तों का जोश अब सातवें आसमान पर है। इकतीस जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया तो ज्ञानव्यापी परिसर में तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने व्यास तहखाने में 7 दिनों के भीतर पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया था, मगर आदेश मिलते ही बिना देरी किए प्रशासन ने आधी रात को ही पूजा पाठ की व्यवस्था कर दी। बुधवार आधी रात को ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त भारी फोर्स के साथ ज्ञानव्यापी परिसर पहुंचे और कई सालों से महादेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं नंदी महाराज के सामने की बैरिकेडिंग हटा दी और सबसे पहले पूजा स्थल को पवित्र गंगा जल से शुद्ध किया गया और विधि विधान के साथ व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवा दी। 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। लैंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रही। ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू होने से अब महादेव की भक्त काफी उत्साहित हैं। 30 साल बाद पूजा शुरू होने पर भक्तों का क्या कुछ कहना है आप खुद सुनिए। हम सभी लोग यहाँ, जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज़ खुल जाए, जल्द से जल्द। पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव के भक्त अब अयोध्या राम मंदिर की तरह यहां ज्ञानव्यापी में भी भव्य मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी पूजा पाठ का आदेश मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर लगे ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले साइन बोर्ड पर ज्ञानव्यापी मंदिर का पोस्टर चस्पा कर दिया है। ज्ञानव्यापी मामले पर एक तरफ जहां हिंदू पक्ष अब फाइनल फैसले का इंतजार कर रहा है वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले के विरोध में है और जिला कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।